नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बैठक में। इन दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर जगह जगह चर्चा हो रही है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहा है कि क्या पूर्वी दिल्ली की जनता को लगता है कि जमानत मिलने से अरविंद केजरीवाल निर्दोष हो गए हैं। आज हम बैठक में इसी मुद्दे को लेकर पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच पहुंचे और अलग अलग इलाकों कृष्णनगर झील और विवेक विहार की जनता से बात की। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी। दो जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से जमानत के पक्ष में फैसला सुनाया। जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को उचित बताया, लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइया ने जमानत को तो उचित कहा, लेकिन गिरफ्तारी के समय सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को 22 महीने तक तो गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन जब ईडी मामले में उनकी जमानत हो गई तो फिर जल्दबाजी में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई। उन्हें 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा किया गया है। उनसे कहा गया है कि जब भी मामले की सुनवाई होगी वो अदालत में पेश होंगे। उन पर पाबंदी लगाई गई है कि वो सीएम ऑफिस भी नहीं जाएंगे और न ही किसी फाइल पर सीएम के रूप में हस्ताक्षर करेंगे। ये भी कहा गया है कि वो केस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करेंगे और जांच में लगातार सहयोग करेंगे। पूर्वी दिल्ली के माहौल की बात करें तो जनता का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत जरूर दे दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शराब घोटाले के आरोप से बरी हो गए हैं। अभी उन पर केस चलता रहेगा। जनता का कहना है कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता इसे जरूर खुशी के रूप में देख सकते हैं, लेकिन उन्हें जो जमानत मिली है कई शर्तों के साथ मिली। ऐसे में भले ही वो जेल से बाहर आ गए, पर दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते। न ही वो किसी फाइल पर साइन कर सकते हैं और न ही दफ्तर जाएंगे। आपको बता दें, खबर लिखे जाने तक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने पार्टी दफ्तर में 2 दिन बाद अपने इस्तीफे की पेशकश जरूर की। जमानत माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। हम सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और यह दिल्ली की जनता का प्यार था जो केजरीवाल जी आज बाहर हैं, और मैं तो एक ही बात कहूँगा, तीसरी बार केजरीवाल सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता सर्वोपरि होती है, जनता जनार्दन होती है। आपको याद होगा, लोकसभा में जब जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाती है तो वो भी मैंडेट जनता का है, और यही जनता पलट के जब मुख्यमंत्री बनाती है तो वही मैंडेट जनता का है। तो जनता सर्वोपरि होती है, और सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दी है, हम अभिनंदन करते हैं। देखिए, जमानत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। गठबंधन एक अलग स्थिति है, अलग परिस्थिति है, भौगोलिक स्थिति है। कुछ कांग्रेस के नेताओं को लगता होगा कि नहीं होना चाहिए गठबंधन, कुछ को लगता होगा, लेकिन आखिर में बात नहीं बनी और दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और इसका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर गलत जमानत दी है। केजरी इसी सेम केस के अंदर के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने ये कह कर के मना कर दिया था कि आप जो है नीचे रूट से आइए, बिना रूट के मत आइए। और जबकि हाई कोर्ट ने इसी जमानत के ऊपर कहा था सीबीआई ने सही अरेस्ट करी है, हम जमानत नहीं दे सकते। लेकिन इसके अंदर सिंघवी जी ने 2 एप्लीकेशंस लगाई, बाद में एक एप्लीकेशन और लगाई जिसके द्वारा इन्हें मिल गई। और आज ये सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है कि ये पैमाना सेट कर रही है कि कोई भी जमानत के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, जबकि लॉ के अंदर या प्रोसीजर के अंदर यही है कि आप पहले लोअर कोर्ट में जाइए, फिर हाई कोर्ट में जाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाइए। जब तक कोई संवैधानिक बात ना हो तब तक आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं आ सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर तो को क्या अपना उनका आज की डेट में विचार के ऊपर जमानत हो रही है, संविधान के ऊपर जमानत नहीं हो रही है, विचारिक जमानत है। जमानत मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि आप जो है केस से बरी हो गए। अभी आप मुजरिम हो, मुलजिम नहीं हो, मुजरिम हो। मुजरिम जब इस तुम बरी हो गए, जब इस केस का ट्रायल चलने के बाद आपको इसके अंदर बरी कर दिया जाएगा। और वैसे तो ये राजनेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी को कोई अपराध की सजा मिले बड़ा असंभव है। सिर्फ अभी तक लालू जी को ही मेन मिली है, कुछ एक दो जनों को, इनको जमानत, इनको जो है सजा वजा मिलना आसान नहीं है। देखिए, ये जो उन्हें जमानत मिली है, जमानत नहीं है, एक तरीके की सजा ही है। सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, साइन नहीं कर सकते, और जो वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, एक स्वच्छता की राजनीति करने आए थे, आज वो इतने घोटालों में, इतने केसों में फंसे हुए हैं, और उसके बावजूद भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे, तो उनसे ज़्यादा बेशरम आदमी कोई नहीं है। जनता का दरबार लगाया था उन्होंने अभी, और वहाँ उन्होंने इस्तीफा दे दिया,
इस्तीफा दे दिया है और जनता ही इस बात का फैसला करेगी वो सीएम ऑफिस जा सकते हैं या नहीं जा सकते। दोषी तो खैर कहलाएंगे, जब जनता को धोखा दिया है तो दोषी तो कहलाएंगे, है ना। जब हरियाणा में भी जाके उनका क्या फायदा ये बताओ, जब वो दिल्ली का ही नहीं कुछ काम कर पाते तो हरियाणा में भी जाके कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं देना चाहिए, देने के बाद ही सुधार कुछ होएगा तभी जाके कुछ देश आगे बढ़ेगा। जनता तो कुछ भी बोल सकती है, जनता तो किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकती है, किसी को नहीं छोड़ेगी, लेकिन जो कोर्ट का फैसला वो तो हमें माननी पड़ेगा, कोर्ट के आधार पर सारे काम चलते हैं। पहले तो ईडी ने अपनी तरफ से क्लीन चिट नहीं दी थी पर उनको जमानत मिली थी, फिर उसके बाद सीबीआई ने उनको हिरासत में अपनी ले लिया था, पर अभी उनका जो बेल ऑर्डर अभी जो पास हुआ है पर उस मद्देनज़र वो किसी भी तरीके से किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर अभी साइन नहीं कर सकते हैं। तो इस नज़रिए वाइज अगर देखा जाए तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक किसी चीज़ के लिए उनको साइन तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि केजरीवाल एक अपनी छवि लेकर के आते हैं सामने, बतौर एक नेशनल पार्टी वो बन चुके हैं, तो बतौर थोड़ा सा कांग्रेस को नुकसान हो सकता है वहाँ पे। देर आए दुरुस्त आए, हालांकि उनको बहुत पहले से इस्तीफा दे देना चाहिए था। जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, और जब गिरफ्तार हुए थे नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन इतने दिनों के बाद जेल में रहने के बाद आज जब वो बेल पर बाहर आए हैं, जमानत पर बाहर आए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं दो दिन के बाद इस्तीफा दूंगा। अरे भाई, इस्तीफा देना तो आज ही दे दो, दो दिन के बाद ऐसा कौन सा मुहूर्त निकलने वाला? क्या उम्मीद है वो दे सकते हैं इस्तीफा? ये तो उन्होंने कहा मैं दे सकता हूँ, दूंगा ये नहीं। देखिए, वो नौटंकीबाज हैं, उनकी बातों पर तब तक यकीन नहीं किया जा सकता जब तक वो काम करना लें। वो जब से राजनीति में है सिर्फ उन्होंने झूठ बोला है, और अगर उन्होंने इस्तीफा देना होता तो आज ही देते, दो दिन के बाद ये बात समझ में नहीं आई। और वैसे उनको अगर उन्होंने ये कहा है कि दो दिन के बाद इस्तीफा दूंगा तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली की जनता भी यही चाहती है कि इस्तीफा दें, और दिल्ली की जनता उनसे मुक्त होना चाहती है, आम आदमी पार्टी की सरकार से और केजरीवाल के झूठ से मुक्त होना चाहती है। उनको इस्तीफा तुरंत प्रभाव से देना चाहिए। ये दोष मुक्त नहीं है, ये कंडीशनल बेल है। बेल भी एक होती है, बेल होना एक होती है, कंडीशनल बेल। इन्हें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री के दायित्व है आप उनका निर्वाह नहीं कर सकते। इन्हें पहले भी जो पैरोल मिली थी वो कंडीशनल मिली थी, उसी तरह से अब जमानत भी कंडीशनल मिली है, तो इसे किसी भी आम बेल से हम मुकाबला नहीं कर सकते। और दूसरी बात यही है कि एक संवैधानिक पद पर अगर कोई व्यक्ति होता है तो नैतिकता के आधार पर तो उसे स्वयं ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन्हें खुद भी ये बात पहले जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे उन्होंने कहा था अगर किसी पे आरोप भी लगा है तो उसे अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उनकी करनी कथनी में अंतर है और वो इस पे बिल्कुल खड़े नहीं उतर। जहाँ तक उम्मीद है कि दिल्ली सरकार जो हमारे केजरीवाल जी हैं दोष मुक्त नहीं हुए, अभी सिर्फ उनको एक चार्जशीट क्लीन चिट मिली है, सिर्फ बाहर निकले हैं, बट उनको ये चाहिए कि इस्तीफा दे दें। अगर अपनी सरकार को अगर उनको क्लियर करना है कि हमारी सरकार की छवि बहुत साफ है तो आप ये इस्तीफा दे के सरकार में किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाएं, और अपनी सरकार को अपेक्षा ये सोच के चलेंगे आगे भी सरकार इसी तरह चलती रहे। कहावत है बोस कि नंग बड़ा परमेश्वर से, इनको ये समझ में नहीं आई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि आपको एंट्रीम बेल मिली है और ये जो जश्न मना रहे हैं ये जश्न ऐसे मना रहे हैं सत्यमेव जयते। अरे भाई, पैरोल है तुम्हारे लिए जो क्रिमिनलों को मिलती है वो तुम्हें मिली है, तो तुम इतना खुशी क्यों मना रहे हो? कुछ नहीं, जनता सब समझ चुकी है, वो काट की हांडी भर चुकी है, घड़ा इनका फूट चुका है, अब कुछ नहीं बचा इनके पास, तो जनता को भ्रमित करने के अलावा इनके पास और कोई विकल्प है नहीं। सत्यमेव जयते तो अब होगा 2025 में। ये जो केजरीवाल जी को बेल हुई है ये पहले भी आपने देखा हो, लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसके थोड़े दिन पहले इनको बेल मिली, और अब ये हरियाणा के J&K के हो रहे हैं, तो वोट बैंक इनका आम आदमी पार्टी का बढ़ेगा उस हिसाब से ही है। पर अभी बेल मिलने से ये थोड़ा तो उनके दोष मुक्त हो गए, केस तो चलेगा ही, अभी उसमें दोष मुक्त नहीं हुए, थोड़ी राहत है पार्टी को, पार्टी वर्करों में इनकी पार्टी में थोड़ी जान आ जाएगी, हाँ जी हौसला हो गया, बाहर आ गया हमारा सीएम, और कुछ नहीं है। ये घाटे का सौदा रहेगा, पर इनमें आम आदमी पार्टी को बेनिफिट मिलेगा, कुछ सीटें तो ये आम आदमी पार्टी लेके जाएगी, क्योंकि हरियाणा का बेसिक वो रहने वाले भी हरियाणा के ही हैं केजरीवाल जी, उसका भी फर्क पड़ेगा।
जब से केजरीवाल जी जेल गए हैं, पहली बात तो पार्टी को चाहिए या कोर्ट को चाहिए कोई ऐसा समाधान निकाले कि एक आदमी के जाने से जो विकास रुक जाता है वो रुकना नहीं चाहिए। अगर सीएम चला गया तो कई काम ऐसे हैं सीएम के साइन के बगैर फाइल पे नहीं होते, तो वो उसका ना कोई उनका रास्ता निकालना चाहिए, चाहे पार्टी हो चाहे कोर्ट हो, इनको चाहिए कोई सीएम कोई दूसरा बनाना चाहिए जिससे भी पार्टी अपना दिल्ली का विकास करती रहे। मैंने पहले भी कहा भी इनको चाहिए मुख्यमंत्री की और किसी को बनाना चाहिए, और बाहर आ गए ना तो वो सीएम हाउस जा सकते हैं, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, तो फिर एक सिर्फ अपनी जो इलेक्शन है उसका ही उस राउंड वगैरह में जाएंगे और तो कुछ कर ही नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी को जमानत मिली है, वो अभी अनकंडीशनल बेल जो कहते हैं मिले कुछ शर्तों पे, जिसमें वो अपने सीएम ऑफिस नहीं जा सकते या कोई किसी फाइल जो हो उस पर साइन नहीं कर सकते। अभी ये अभी कोई केस इनसे हटा नहीं है, केस मुक्त नहीं हुए, जिससे ये इस वजह से हमारी आम जनता भी परेशान होगी, क्योंकि जैसे अभी जब ये जेल में थे कोई दिल्ली में विकास नहीं हो पा रहे थे, कोई काम नहीं हो पा रहा था, अभी भी वही नज़रिया देखा जा रहा है। पहले जो जेल में थे काफ़ी फ़र्क पड़ा था कि काम नहीं हो पा रहे थे, जैसे कोई फाइल साइन होनी होती थी वो नहीं हो पाती, काम रुके रहते थे, और अभी भी जो आए हैं उससे हम यही देखेंगे कि जो बेल है इनकी अनकंडीशनल बेल है, इसमें भी अभी काम रुकेंगे, कोई साइन नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो पहले जो लोकसभा के इलेक्शन थे उसमें जब बेल मिली थी कि इनको कंपेनिंग करने का थोड़ा टाइम मिला था, और आपने रिजल्ट देखे होंगे कितना फ़र्क आया था, अब थोड़ा बहुत इलेक्शन में फ़र्क आएगा ही आएगा। बहुत ही अच्छे लेवल की ये पॉलिटिक्स होती है, आम आदमी को समझ में नहीं आता फ़र्क कहाँ पड़ता है। कि जैसे एक छोटी सी बात है कि परिवार में हम 5 मेंबर 6 मेंबर 8 मेंबर हैं, सबका अपना अपना रोल होता है, अगर उनमें से एक मेंबर भी छुट्टियां मनाने कहीं चले जाए या किसी वजह से कहीं और चले जाए तो पूरा तो घर डिस्टर्ब होता ही है, क्योंकि जिम्मेवारियाँ और बढ़ जाती हैं। तो ये जो हम चीफ मिनिस्टर साहब की बात करें, तो किसी भी हिसाब से या तो बेल हो अनकंडीशनल हो तो आदमी फ्री हैंड काम कर सकता है। अब जब सामने वाले को पता है कि भाई ये किसी शर्तों के तहत ये काम हो रहा है, अब स्टेट में चुनाव होने हैं, अलग अलग जगह चुनाव होने हैं, अब उनका नज़रिया कुछ भी हो सकता है क्यों बेल मिली है, लेकिन पब्लिक के बीच में एक उथल पुथल शुरू हो जाती है, ये राजनीति शुरू हो जाती है, जिसके लिए खामियाजा देर सवेर हम पब्लिक को ही भुगतना पड़ता है। और जो हम आज से नहीं, हम कब से देखते आ रहे हैं कि कहीं भी कुछ पॉलिटिकल हलचल होती है तो वो कहीं ना कहीं उसका रूप, उसका जो इफेक्ट है वो पब्लिक में दिखता है, पब्लिक को फ़र्क पड़ता है, देर से फ़र्क पड़ता है, जिसके लिए हम ये सभी नेताओं से एक ही अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया इस तरह की जो पॉलिटिकल मूवमेंट हो जाती हैं, आप पॉलिटिकल अपने हिसाब से जो पार्टी ठीक समझती है वो अपने हिसाब से करती है, लेकिन ऐसा हो कि पब्लिक सफरर ना हो, पब्लिक की ज़िंदगी में कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े, इसकी ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जमानत मिली तो सीबीआई वालों ने पकड़ लिया, क्योंकि ये सीबीआई वाले पहले क्यों नहीं कर सकते थे कार्रवाई, तो ये नज़रिया गलत है। तो ये तो टॉर्चर करना, और जो चुना हुआ हमारा मुख्यमंत्री कोई भी हो, ABCD कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसे परेशान करना जो अपोजिशन है या कोई भी है, ये गलत है। उम्मीद करते हैं कि काम होंगे अब जनता के जो रुपये में? जरूर होंगे, काम होंगे, लेकिन ऐसा है अगर आप किसी का बैन कर देंगे या किसी का हाथ ही पकड़ लेंगे तो कैसे पेन चलेगा। सफरर तो हम लोग ही हैं, और हम लोगों में, आम लोगों में, मैं नेताओं को भी ये एक डिफाइन करता हूँ, किसी ना किसी स्टेज पे तो वो भी सफरर हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि है तो वो भी पब्लिक का हिस्सा। तो ऐसी चीज़ें जो क्रिएट हो रही हैं इसको बंद करा जाए, इसको मिनिमाइज करा जाए, ताकि आम लोगों को राहत मिले और काम करने में सुविधा हो। केजरीवाल को बेल मिली है, मगर अभी वो दोषी ही हैं जिनसे 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया गया, 2 जमानतें ली गई, वो दोषी हैं, उनको सिर्फ जमानत के तौर पे बाहर भेजा गया है। चुनाव से पहले जो जमानत हुई है, इसमें ये कांग्रेस को नुकसान हो जाना है,
जो भी हमारी जो भारत सरकार है, जो आज से अगर 2-3 महीने पहले, चाहे वो 4 महीने पहले, 5 महीने पहले केजरीवाल जी को जमानत मिल रही थी, मिल भी गई, मगर उसको CBI ने बाहर नहीं आने दिया। मगर अब चुनाव के मद्देनज़र उनको जमानत दे दी गई है, इससे कांग्रेस को बहुत नुकसान है। मनीष सिसोदिया जी को अभी 10-15 दिन पहले जमानत मिली है, अब केजरीवाल जी को मिल गया। क्यों? ये राजनीति चल रही है सिर्फ कांग्रेस के पीछे लाने के लिए। कांग्रेस हरियाणा में निपट जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी अपने ऑफिस में नहीं जा सकते, मगर जिन लोगों को इनके ऊपर भरोसा था, बिजली पानी फ्री, हमें आजकल में फ्री की आदत पड़ गई है, काम नहीं है, काम होते हुए काम नहीं है हमारे पास, काम होते हुए भी काम नहीं है, हमें फ्री की आदत पड़ गई है, इसलिए दिल्ली को नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री माना है, वो मुख्यमंत्री ही मान के रहेंगे, मगर गवर्नमेंट के दायरे में वो मुख्यमंत्री नहीं है। क्या उनकी पार्टी को किसी और को बनाना चाहिए मुख्यमंत्री? बिल्कुल बनाना चाहिए। अगर केजरीवाल जी के ऊपर अगर इतना कुछ थोपा गया है, वो ऑफिस नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते, मगर केजरीवाल जी को तो डर है ना, अगर मैंने और किसी को मुख्यमंत्री बना दिया तो वो सरप्रस्त वो बन जाएगा, मैं खत्म हो जाऊँगा। कुर्सी से प्यार के नजरिए? बिल्कुल, कुर्सी का प्यार का नजरिया ये, अगर आप जेल में रह के आए हैं, 170 दिन रह के आए हैं, आपको उसी टाइम किसी और को नियुक्त करना चाहिए था। आपके बगैर आज दिल्ली के अंदर सरकार चल रही है, किसे नुकसान हो रहा है? आम पब्लिक को। आपने देखा कि पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत जरूर दे दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शराब घोटाले के आरोप से बरी हो गए। इसके साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि भले ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, पर दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते, ना ही वो किसी फाइल पर साइन कर सकते हैं और ना ही वो CM दफ्तर जा सकते हैं। फिलहाल आज की बैठक प्रोग्राम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।